बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम बहुत ही अच्छी डिश बना रहे हैं, बहुत आसान और बहुत ही टेस्टी, अंडों की बिरयानी, अंडा बिरयानी, एग बिरयानी। तो इसके लिए जो है हमने जो चीज़ें ली हैं आपको बता देते हैं। हमने जो है यहाँ पर ये अंडे उबाल के लिए 6 अंडे सख्त उबाले हुए हैं, और इनको उबालने के लिए हमने जो पानी लिया था उस पानी में हमने एक आधा नींबू का छिलका डाल दिया था और थोड़ा सा नमक डाला था, और जोश आने के बाद में उसको ढक के 10 मिनट तक हमने रख दिया था और स्लो आंच पे। उसके बाद में हमने गैस की फ्लेम ऑफ करके और उसको डायरेक्ट ठंडे पानी में डाला और छील लिया। इस तरह से आप भी हार्ड बॉइल कर लें। इसको हम अभी फ्राई करेंगे। और हमने ली है यहाँ पर प्याज, 3 अदद बड़ी प्याज है जिसे हमने स्लाइस में काट लिया है। इसका हम रिश्ता बनाएंगे, इसको तल लेंगे, ब्राउन कलर कर लेंगे। इसके अलावा हमने जो है आलू लिए हैं, आलू भी हम शामिल करेंगे क्योंकि आलू जो है उससे मसाला भी बढ़ जाता है और खाने के लिए भी आलू जो है बिरयानी के आलू बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे घर वालों को बहुत पसंद है, तो हम आलू उसमें शामिल करेंगे, आलू डालेंगे। अदरक लहसुन का हमने फ्रेश पेस्ट बना लिया है, ये भी हम डालेंगे। टमाटर लिए हैं कटे हुए, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं हमारे पास, वो हमने उसको काट लिया है। और ये है कोथमीर और पुदीना, हरा धनिया और पुदीना, ये भी हमारे जो है बिरयानी में यूज़ होगा। अब जो है हमने क्या किया है कि ये चावल जो है हमने लिए हैं बासमती चावल, ये 2 गिलास भर के यानी 1/2 kg के करीब है, और इसको हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया है और भिगो कर उसका पानी निथार दिया है और उसे रखा है भीगने के लिए। और हमने यहाँ पर 2 गिलास पानी के हिसाब से 6 गिलास जो है पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, और पानी में हम जो है ये मसाले ऐड करने वाले हैं। ये जो खड़े मसाले हैं, खड़े गर्म मसाले हैं, तो इसमें ये थोड़ी काली मिर्च है 1/2 चम्मच, और ये 7-8 लौंगी हैं। उसके अलावा ये थोड़ा सा बादियान फूल है, ये 2 तेज़पत्ते हैं, दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, ये हरी इलायची है, ये काली इलायची है, मसाला इलायची है, मसाले वाली इलायची बोलते हैं इसको, और ये जामुनी के 2 टुकड़े हैं। तो ये हमारे जो है ये मसाले जो है ये उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे। इसके अलावा थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया और 2 चार कटी हुई हरी मिर्चें हम ये पानी में डालेंगे, और बाकी का जब हम अंडों की तह लगाएंगे बिरयानी की तब वो यूज़ होगा। अब हम आपको जो है ये पानी हमने बॉइल करने रखा, ये मसाले हम जो है इस खड़े मसाले जो है ये पानी में डाल देते हैं, और अभी पानी को थोड़ी देर जोश होने देते हैं, और जोश होने के बाद में इसमें चावल शामिल करेंगे, और नमक जो है हम इसमें इतना डालेंगे कि हमारा जो ये पानी जो है वो नमकीन हो जाए, और नमकीन होने के बाद में जो है उसके अंदर जो है नमक का जायका आ जाए, यानी वो नमक की नमकीन लगे, पानी चखने पर नमकीन लगे, बिल्कुल फीका फीका सा ना लगे, इतना हम नमक डालेंगे। तो हमने ये डबल नमक, इतना हम डालते हैं चावल में चावल पकाने के हिसाब से, उससे हमने डबल नमक लिया है, ये हम डालेंगे, उसको पानी को चखेंगे, और थोड़ा तेज़ नमक होगा उसमें, उतने में ही हम चावल इसमें डाल देंगे। और चावल को 80% कुक करना है। 80% यानी क्या है कि चावल जब खोलने लगता है पानी, उसके बाद में उसको चावल का एक दाना उठा के आप तोड़ कर देखो, अगर वो इजीली टूट जाता है तो आपका जो चावल है वो 80% कुक हो गया है। उतना ही कुक करने के बाद हम उसको निथार लेंगे। इतना सब प्रोसीजर करने के बाद आपको दिखाते हैं। ये चावलों का पानी अच्छे से पक रहा है, और उसमें हमने जो मसाले डाले थे वो भी थोड़े से पक गए हैं। अब हम ये नमक जो है इसमें शामिल करें, थोड़ा नमक ज़्यादा ही डालना है, आपको चक्के डालना थोड़ा सा हमने बताया इसमें, देखते हैं करने के बाद। और इसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल किससे डालते हैं कि चावल आपस में चिपके नहीं और खुले खुले बने, तो ये हम थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल सकते हैं खोलते हैं। और अब हम शामिल करेंगे ये चावल जो हमने धो के रखे हैं। आठ से 10 मिनट में हो जाएंगे हमारे चावल, और इसको हम निथार। तो नाजरीन, हमने यहाँ पर जो है रिश्ता बना लिया है गैस का, और चावलों को हमने बस पिसा लिया है, मतलब उसको बॉईल करके और उसका पानी निथार दिया है। 2 जगहों में हमने बांट लिया है चावल को, इसमें भी चावल है पिसरे हुए, और आधे चावल जो है हमने यहाँ निकाल लिए हैं। अंडों को हमने तल के निकाल लिया है, आलू भी हमने तल लिए हैं। और इसके अलावा जब हम रिश्ता बना रहे थे, प्याज तल रहे थे, तो हमने क्या किया उसमें से कचरी मतलब आधी पकी हुई थोड़ी सी हमने इसमें से निकाल ली है। और यहाँ पर जो हमने मसाले लिए हैं पाउडर मसाले, वो आपको दिखा दें। तो सबसे पहले तो ये धनिया पाउडर है, ये 2 टीस्पून भर के है, और ये जो है हमारा बिरयानी मसाला है, ये भी 1.5 चम्मच हमने लिया है,
हल्दी पाउडर है एक चम्मच लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये हमने जो है दो चम्मच लिए है, और ये बिरयानी मसाला है, ये बिरयानी मसाला यानी कि मिक्स मसाला है। ये बिरयानी मसाला जो है उसमें सारे गरम मसाले मिले हुए हैं, और ये जो है बाज़ार का हमने यूज़ किया है, और ये हमारा होम मेड है, तो ये हम भी ये दोनों भी यूज़ करेंगे, क्योंकि अंडों का जो है खुद का कोई ऐसा टेस्ट इसमें नहीं आने वाला है। आपको जो भी टेस्ट लाना है ये सिर्फ मसालों से लेकर आना है, और अंडे तो हमारे सिर्फ रहेंगे कि भाई अंडों की बिरयानी है, और अंडे भी मसाले वाले थोड़े खाने में अच्छे लगेंगे, लेकिन चावलों का जो टेस्ट होगा वो ये मसालों से ही हम दे पाएंगे। इसलिए हमने ये दोनों तरह के मसाले यूज़ किए हैं, गरम मसाले, इसमें सारे गरम मसाले, इसमें थोड़े खड़े मसाले भी हैं, और ये हमारा जो होम मेड है तो ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है, और इसमें सारे गरम मसाले हैं, और इसके अलावा हमने नमक अभी थोड़ा सा ही लिया है, थोड़ा सा चखेंगे और अगर कम लगा तो फिर हम डालेंगे, और उसके अलावा अदरक लहसुन और दही, और हमने दही भी लिया है, दही को हमने मिक्सर में से घुमा लिया है। ये हमारा जो है 250 ग्राम करीब दही है, अभी हम जो है आपको बघार के दिखाते हैं। नाज़रीन हमने जो ये प्याज निकाल के रखी थी हम ये प्याज इसमें डाल देते हैं ऑयल में, ये हमारी लाल की भी प्याज नहीं है, आधी लाल हुई है, थोड़ी सी कच्ची पकी है, और अभी हम ऐसे ही कहीं ब्राउन करेंगे, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये हम डेढ़ चम्मच के बाद इसमें डाल देते हैं एक चम्मच, और ये हमारा डेढ़ चम्मच इसी में हम जो है टमाटर डाल देंगे, और ये हमारे जो पाउडर मसाले हैं सारे बिरयानी मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये भी हम इसमें डाल देंगे। टमाटर इसलिए डाले हमने पहले क्योंकि मसाला डायरेक्ट तेल में डालने से जलने लगता है, थोड़ा सा पानी हम शामिल करें जरा सा, अभी ये फ्लेम को हम थोड़ा सा स्लो करके और ये दही भी इसमें शामिल करें। बस वो मुसलसल चलाते रहना है ताकि दही फटे नहीं। अभी थोड़ी देर में क्या होगा कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, दही भी इसमें अच्छी पड़ जाएगी, पक जाएगी, और ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, तब हम इसमें आलू डालेंगे और दूसरे मसाले डालेंगे, दूसरी चीज़ें डालेंगे, आपको दिखाते हैं। जब तक हमारा मसाला पक रहा है तब तक हम क्या करते हैं, इसको फोक की मदद से आलू में थोड़े से छेद कर देते हैं, इस तरह से उसको तोड़ देते हैं, तो क्या होगा कि मसाला जो है अंदर तक ठीक चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा उलट पलट के हम सब जगह खा देते हैं। मसाला हमारा 5 मिनट हुआ है पकते पक रहा है, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हुए हैं, हमने ये जो आलू तल के रखे थे जिनको थोड़ा सा गोदा कुचल लगाया हमने, मतलब फुल कर दिए उसमें, ये अब ऐड करते हैं कि पूरी तरह से गले में नहीं मसाले में गल जाएंगे, अगर अंडों को तो गलाने का सवाल नहीं होता, अंडे तो वैसे भी काट के बाद में मिला देंगे। चलिए ये प्याज हमने तल के निकाली है, उसमें से हमने आधी प्याज को थोड़ा हाथ से मसल लिया है, थोड़ा सा आधा हमने बहुत बारीक नहीं किया है, और अभी ये प्याज भी हम उसमें शामिल करते हैं, आधी प्याज हम ले रही हैं यूज़ करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं ताकि जो है आलू हमारे गल जाए और टमाटर में जो कसर है वो रहे वो ख़त्म हो जाए, यानी वो भी पक जाए, तो हम थोड़ा सा पानी जो है ये दही के मिक्सर में डाल के उसमें ऐड कर देते हैं। ये हमारे आलू जो है गल चुके हैं, और अब क्या करते हैं हम इसमें ये अंडे जो है तले हुए अंडे और इसको शामिल कर देते हैं। आलू और अंडों को तलने की वजह से क्या होता है कि टूटते नहीं हैं, अब इसी में हम थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे, पुदीना हम नहीं मिलाएंगे क्योंकि गर्म मसालों की जो खुशबू होती है वो पुदीने की वजह से कम हो जाती है, उसमें धनिया मिलाएंगे थोड़ा, और लेयरिंग में हम पुदीने का यूज़ करेंगे। नमक भी हमने चख लिया है, नमक भी इसमें बराबर है, पुदीने डालने की जरूरत नहीं है, और चावलों में भी हमने सही नमक डाला है। 2 मिनट हम बंद करते हैं इसको, और उसके बाद में आपको लेयरिंग करके। हमारा जो मसाला था वो तैयार हो चुका है, और अब हम जो है ये इस बर्तन में ये जो फ्लेमों का बर्तन इसी में रिश्ता बनाया था, और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी है, इसी में हम जो है लेयरिंग करेंगे।
पहले थोड़ा सा चावल जो है नीचे डाल देना है, और थोड़ा और चावल को हमने क्या किया है कि दो जगह दो हिस्सों में बांट लिया है, तो पहली लेयर और दूसरी लेयर हम उसमें लगाएंगे। ये हमने चावल इसमें डाल दिया, अभी इसमें हम जो है आधे ही अंडों का मसाला जो है अब हमने क्या करना है, इस पे थोड़ा सा बिरिस्ता डालना है, बहुत तो कम। ये जो हमने हरी मिर्चें रखी है थोड़ी सी लंबी लंबी चीर के थोड़ी डाल देंगे इसमें, कहीं कहीं पर धनिया है, और थोड़ा सा जो है हरा धनिया थोड़ा सा। अब इसमें हम फिर चावल की लेयर लगाएंगे, ये चावल हमने अलग अलग दो हिस्सों में करके रखे, चावल की लेयर उसमें। और फिर थोड़ा सा बिरिस्ता, अब यहाँ पर हम पुदीना डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा बिरिस्ता, पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया, और अब इसमें हम जो है मसाला फिर से लगा देंगे, सारा मसाला जो है इसमें लगा देंगे, पूरा मसाला डाल देंगे इसमें। आपको अगर आलू नहीं पसंद है तो नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर पसंद है तो डाल दीजिए, थोड़ा सा ग्रेवी बढ़ जाती है, मसाला बढ़ जाता है, और आलू बिरयानी के बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। पूरा मसाला इसमें डाल दिया है, अब ये चावल जो है ये हम इसमें डालेंगे, उसके पहले से थोड़ा सा पुदीना और इसके ऊपर से फिर से चावल। तो चावल हमने लास्ट में जो है ज़्यादा रखे हैं ताकि ये अच्छी तरह से उसको कवर कर लें, और पूरे चावल जो है हमारे बहुत अच्छे मसाले के। चावल का एक एक दाना कीमती है, हमने सारे चावल निकाल लिए और सारे डाल दिए इसमें, हम नहीं चाहते कि हमारे चावल वेस्ट हो, अनाज की कदर करना चाहिए, अनाज की इज्जत करना चाहिए। दाना दाना हमने हर चीज़ जो है इसमें बराबर से डाल दी है, हमारे चावल पूरे इसमें चुके हैं। अब क्या करेंगे हम ऊपर से फिर से बिरिस्ता और पुदीना धनिया इसके लिए थोड़ा सा बिरिस्ता हमने गार्निशिंग के लिए बचा लिया है, फूड कलर मिला के रखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा कम डालना है, फूड कलर बहुत से लोगों को फूड कलर अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं आते, हम थोड़ा सा ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। आप चाहो तो केवड़े में भी ये कलर मिला के डाल सकते हैं, लेकिन इस बिरयानी में हमको केवड़े का जो है फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उसमें केवड़ा नहीं डाल रहे हैं। और ये हमारे पास है ऑयल जो हमने बिरिस्ते का रखा है, तो ये हम इसको ऊपर से। अब हमने क्या करना है, एक तवा लेना है जो बहुत मोटे पेदे का हो, और उसके ऊपर इसको 5 मिनट फास्ट पे रखना है, और फिर बाद में धीमी आंच पे हम 20 मिनट तक इसे रखेंगे, और फिर आपको दिखाएंगे। हमने एक मोटा तवा रख दिया है, और उस पर ये लेयरिंग करके चावल इस पर रख दिए बिरयानी हमारी, और इसको हम क्या करते हैं तेज आँच पे 5 से 7 मिनट तक तेज आँच पे रखते हैं, तो तवा हमारा बहुत अच्छे से रिटेन हो जाएगा, और इसमें धुआं आने लगेगा, तो हम उसको स्लो कर देंगे, और स्लो करके हम इसे तकरीबन 20 मिनट तक पकने देंगे, और उसके बाद में आपको। नाज़रीन, ये इस बिरयानी को हमने दम पे रखे हुए 20 मिनट हो गए, और अब इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर भी आ गया है, धुआं भी आ गया है, और आप अच्छे से हो गई है, अब इसको हम देख रहे हैं कि दम पर हो गई है या नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छे से दम पर हो गई है, और अब क्या करते हैं इसको डिश में निकाल के आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, हमने इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया है अंडों से, और ये हम बिरिस्ता थोड़ा सा डाल रहे हैं उसके ऊपर से, और हमने क्या किया है साथ में जो है ये इमली और गुड़ का कचूमर बनाया है, इसमें इमली है गुड़ है इसको पका लिया है, और इसमें प्याज और टमाटर काट के डाले हैं, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाला है, और एक टमाटर जो हमने काट के डाल दिया है, और फिर हमने जो है ज़ीरा पाउडर भी इसमें थोड़ा सा डाला है। और आप जो है इस डिश को ज़रूर बनाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें, और ये बिरयानी आप ज़रूर बनाएं। अगर आपके पास घर में जो चीज़ें हैं उसी से बनती है, ज़्यादा कुछ आने की ज़रूरत नहीं है,
अंडे है आपके घर में आप बना लीजिएगा। चावल अगर आपके पास बासमती नहीं है तो ये कोलम राइस में भी बहुत अच्छा बनता है, यानी छोटे बारीक चावलों में भी ये बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, आप उसमें भी बना के इसका इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी दुआ में मुझे शामिल रखें। अल्लाह हाफिज़।